हाय डियर माय फ्रेंड्स, अब लोग को मैं कुछ दिखाएंगे और छोटा सा साइकोलॉजी फंडामेंटली आप लोग को एनालाइज करा दिखाएंगे। आखिरकार प्रॉफिट किस तरह से कमाया जाता है, किस तरह से एनालाइज करा जाता है, राइट। अभी छोटा अकाउंट है मेरे पास दो, यही दिखाएंगे। मैं ज़्यादा कैपिटल आप लोग को दिखा नहीं सकता है प्राइवेसी रीजन से। छोटा कैपिटल में कैसे ट्रेड होता है मैं वही दिखाऊंगा, दो ब्रोकर है उसमें दिखाऊंगा। और आप लोग को मैं प्राइवेसी के लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ मैं शो नहीं करूंगा, जो छोटा कैपिटल है छोटा वाला मैं दिखाएंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे पोजिशनल पे कौन सा शेयर लिया है, कैसे लिया है, कैसे प्रॉफिट दे रहा है, किस लॉस है, और अब लोग को साइकोलॉजी क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग पोजिशन में जाएंगे। देखिए होल्डिंग पोजीशन, इसको मैं जूम करेंगे 100 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये इधर नहीं जाएगा, हाँ ठीक है। देखिए अभी एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे, राइट। अभी इसको देखो, ये अभी प्रॉफिट कितना मोर देन कैपिटल में, कैपिटल में कितना दे रहा है, 20+30, ये बढ़ते रहता है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है। मैं लोकल जो आप लोग को छोटा छोटा बिगिनर है, ठीक है, मैं यहाँ पे वही दिखा रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा हाई कैपिटल में हाई वो नहीं दिखाएंगे हम। देखिए 17,900 यहाँ पे इन्वेस्ट है, राइट। और अभी 21,549 ये सब छोड़ो, ये है इसका कैपिटल में मोर देन 20% ग्रो हुआ, राइट। 20% ग्रो हुआ कैपिटल में, ये रह गया। तो मतलब 17,600 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, राइट। 17,000 में 3,000 रुपये प्रॉफिट दे रहा है। अभी देखो बीटानिया, इसका क्वालिटी में कम कैपिटल है दिखा रहा हूँ। इसका एक क्वांटिटी है, इसका प्राइस कितना 3,194 रुपीज़। इसका और है इसका LTP एवरेज कॉस्ट है, अभी का चल रहा है 3,100 में लिया, अभी कितना सर 3,816.95 चल रहा है अभी। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस मतलब इतना है, अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है, तो 800.198 अभी 3,816। इसका PNL प्रॉफिट कितना दे रहा है 600। बीटानिया का बात कर रहा, खाली एक क्वांटिटी है, समझ रहे हैं आप। तो इसका 622 रुपया प्रॉफिट दे रहा है मोर देन, जैसे अभी इसकी इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट वैल्यू इसका इन्वेस्टमेंट एवरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इसका एवरेस्ट कॉस्ट 3,000 इतना आ रहा है एवरेस्ट कॉस्ट। तो इसका प्राइस, इसका इन्वेस्टमेंट वही है 3,800 अभी वैल्यू, मतलब करंट वैल्यू जो है, तो इसका 3,200 रुपये समझ लो। इसका कैपिटल में 19% ही प्रॉफिट दे रहा है, राइट। मोर देन अगर बैंक में रखेगा तो कितना देगा आपको, तो ये अभी भी चल रहा है, एक ही क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और हाई कैपिटल में वो दिखाएंगे नहीं किसी को मैं, जो आप लोग को साइकोलॉजी के लिए दिखा रहा हूँ। तो मोर देन इन अ प्रॉफिट, राइट। आप लोग तो ये भी बुक करेगा फटाफट करके, मुझे पता है। और ये देखो डाबर का, देखो 17,900 पूरा एक कंपनी में नहीं लगाया, इसको क्या किया 500, देखो इसका 543, इसमें 549 अभी वैल्यू, इसका 5 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, राइट। एक ही क्वांटिटी, शायद पैसा नहीं था इसीलिए यहाँ पे, इसमें ये छोड़ दो, ये अभी प्रॉफिट नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। अभी हिंदुस्तानी यूनिलीवर में दो क्वांटिटी है, इसका खरीदने प्राइस है 1,900
1996.80 राइट। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है करंट LTP जो अभी चल रहा है फिलहाल 2400, अभी 1900, 2000 भी नहीं है, 494। अभी इसका करंट वैल्यू है 4993 राइट। अभी इसमें कितना प्रॉफिट दे रहा है 1000 राइट। इसके एवरेज मतलब नेट 20% इसका कैपिटल में ग्रो हुआ। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 25 मोर देन, यहाँ पे दो क्वांटिटी है राइट, यहाँ पे 3000 यहाँ पे 2000, इस हिसाब से ये अच्छा खासा दिया है राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ब्रिटानिया से हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, क्योंकि इसमें 2000 है उसमें 3000 है, तो कैपिटल में ग्रो कौन सा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छा दिया ठीक है। ये और ये दो कैपिटल है तो मोर देन 4000 इसमें इन्वेस्ट है राइट, इसमें 3000 एक एक में, तो अगर इस पैसा हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 4000 है या 3000 है मोर देन ठीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं बोल सकता क्योंकि टू क्वांटिटी है, 2000 है यहाँ पे 3000, तो 1000 ये हिसाब से तो ये अच्छा प्रॉफिट दिया मेरे को, एक क्वांटिटी में 3000 दिया, 3800 है 4900, तो 1000 रुपये का डिफरेंस है, तो ये मोर देन ब्रिटानिया में प्रॉफिट ज़्यादा दिया राइट। तो ये चलेगी IRCTC में क्या हुआ देखो, दो क्वांटिटी है 700 रुपया, इसका इसका कितना दो क्वांटिटी 1000 इतना इन्वेस्ट है, इसका करंट प्राइस 500 रुपये ले गया 700 776 589 में, अभी इसका लॉस चल रहा है 300, कैपिटल में 24% लॉस दे रहा है, मतलब जो पैसे से हम 1000 1700 और 1078 में खरीदा इसका 24% कैपिटल में लॉस दे रहा है राइट। गया IRTC में क्या देखा रहा है, IRTC 29 क्वांटिटी है, इसका 222 रुपये समझ लो, इसका करंट 293, इसका 8000 इन्वेस्ट, इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 2300, मोर देन 38% कैपिटल में प्रॉफिट राइट। इसके लिए ये गुड, अगर अगर आप 50,000 1 करोड़ लगा दिया तो आपको कितना कैपिटल में होता, मोर देन 38%। आप एक क्वांटिटी लगाओ 1000 क्वांटिटी लगाओ, बात एक ही, आपको साइज एनालाइज करना, ट्रैक करना प्राइस को ठीक है। उसको बाद ये तो किया IRTC का 221 रुपये 290 में चल रहा है अभी फिलहाल, अभी भी ये होल्डिंग पड़ा है ठीक है। गया मेरी को 5 क्वांटिटी है, इसका 498 रुपीज, इसका करेंट प्राइस 2500 इन्वेस्ट है, 28 रुपीज प्रॉफिट दे रहा है, मोर देन 1.1% राइट, मतलब एक ही शेयर नेगेटिव में है। या एनालाइज होता है यार, ये तो ये चले गया, मोर देन टोटल इन्वेस्टमेंट 3600 प्रॉफिट मिला के सब मिला के राइट, एक चले गया तो काट ही देता हूँ, ये हो गया आपको होल्डिंग पोजीशन ठीक है, समझ में आ रहा है अब लोग को। एक ये आपको छोटा छोटा कैपिटल वाला दिखा रहा हूँ मैं, और एक दिखाएंगे आपको, आप लोग को इसके अंदर में फॉल्स भी लिया है जो थोड़ा सा, ये आपको ये साइकोलॉजी ठीक आ जाएगा, अभी ये साइकोलॉजी थोड़ा आप लोग को साइकोलॉजी से चलेगा ठीक है। ये क्या है मैं दिखाएंगे अभी, वर्ल्ड पोजीशन इससे बड़ा नहीं होता है, अरे भाई यार क्या क्या बैंक निफ्टी फिफ्टी आ रहा है, जो दिखाना है वो दिखा रहा है, इससे अब तो बड़ा नहीं होने वाला है भाई। चलो ये दिखाएंगे आप लोग को,
अभी देखो इसका बताएंगे, ये वाला यहाँ पे कितना है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल IOC छोटा कैपिटल में बोला आप लोग को, हाई कैपिटल वाला दूसरी अकाउंट मेरा एक नहीं है जो मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ, ये आप लोग को दिखाने के लिए। देखो फर्स्ट कितना क्वांटिटी है 68, ठीक है। इसका एवरेज कॉस्ट 37, ₹72 इसका मोर देन मार्केट वैल्यू 4,000 2,334, मोर देन 93% कैपिटल में प्रॉफिट दे रहा है, राइट। इसको थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो इसका एवरेज प्राइस दो टाइप के लिया था मैं IOC में, फास्ट में कितना लिया 108 रुपीस में एक शेयर लिया था, ठीक है। इसका प्राइस उस टाइम में मेरे को ₹1,000 प्रॉफिट दे रहा था 1,500, फिर भी मैंने इसको बेचा नहीं। फिर क्या किया, अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है देखो 72, मतलब मेरा लॉस चल रहा है, राइट, समझ में आ रहा है। अभी 100 से अगर 72 में आ जाएगा तो कितना, ₹30 का चले 35 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, राइट, हर शेयर में। तो 68 माइनस कितना होता है हमारा, इसका थोड़ा सा बाद में भी खरीदा है मैंने, कितना 73 में शायद, वो प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं किया, एवरेजिंग किया मैंने लो प्राइस में, ठीक है यहाँ पे। तो 100 में लिया, उसके बाद फिर मैंने 73 में ना कितना में लिया था होगा शायद, तो ये 68 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है, इसका जो पहले 40 क्वांटिटी था होल्डिंग में जो था, वो क्या किया यहाँ पे बोनस इशू किया, ठीक है। इसका वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी इसका एवरेज कॉस्ट हो गए 37, अभी 72 चल रहा है, इसका आधा का मतलब क्या बोलो, बोनस इशू किया ना, डबल शेयर हो गया यहाँ पे, तो इसका वजह से क्या हुआ यहाँ पे 37 हो गया शेयर, मतलब रेट। अभी ₹100 जो मेरा ₹108 का था वो कितना हो गया 37 हो गया, तो मेरे को मोर देन 93% प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एक लाख लगाता तो आपको कितना आता, ठीक है, और आपको ही मालूम है, तो मैं वो आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोग को साइकोलॉजी के लिए, मैं छोटा छोटा क्वांटिटी के लिए अलग अलग अकाउंट में, हाई क्वांटिटी यहाँ पे नहीं रहेगा, हाँ ये अकाउंट में रखा है, अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो बेच सकता हूँ, नहीं तो इसको मैं दूसरा मतलब जो मेन अकाउंट है उसमें मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है, SBI में, तो कोई बात नहीं पड़ता, और किधर भी शिफ्ट कर सकते, कौन सा भी ब्रोकर में, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सो ये क्वांटिटी इधर रहे उधर 1,000 क्वांटिटी रहे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे IOC के लिए आपको समझ में आ गया, मोर देन 37 इसका 2,093% कैपिटल में प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, गया उस IOC गया। उसके बाद देखो यहाँ पे गोल्ड में, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए है, ये 22 क्वांटिटी है 44, अभी 43 में चल रहा है, ये ऐसा ही रहता है, इसको मार्केट 0.9 माइनस चल रहा है यार, इसमें ₹900 इन्वेस्ट है, ये छोटा कैपिटल में बार बार बोल रहा हूँ ये, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पे 100, ये आप लोग को साइकोलॉजी के लिए मैंने कुछ आइडिया का शेयर लगाया, और एक बैंक का, उसको देखो ये 91, यहाँ पे 94 चल रहा है, इसमें ₹1 दे रहा है, ₹600 इन्वेस्ट है, ठीक है, चले गया। ये सब ये जो भी है ना, ये आप लोग के लिए दिखाने के लिए मैंने खरीदा है ऐसा। ये देखो ये 7 क्वांटिटी है, इसका 290 रुपीज़, 241, राइट, 169, लॉस चल रहा है 343, मोर देन कैपिटल में 16% लॉस दे रहा है, किस में दे रहा है,
हिंदुस्तानी पेट्रोलियम में, राइट, लॉस दे रहा है। कोई बात नहीं, ये अपना औकात में आएगा, अपन तब करेंगे, नहीं तो इसको क्या करना है, नहीं तो इसको एवरेजिंग करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। एवरेज करने के लिए IOC का एवरेज कर सकता है मैं, ITC का भी एवरेज नहीं कर सकता है। यहाँ पे मुझे पता है कौन सा एवरेजिंग करना है, नहीं फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, कहाँ एवरेजिंग करना चाहिए। हम एवरेजिंग करना है तो IOC में भर भर के एवरेजिंग कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटली ये आगे जाके आपको 100 रुपीज़ आने वाला है, जरूर 110% आएगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए मैं कुछ नहीं देखता हूँ, उसके बाद 16% लॉस दे रहा है। ये शेयर्स BPCL में यहाँ पे 375 लिया, 325 हुआ, अभी 1900, अभी 3000 लॉस दे रहा है, मोर देन कैपिटल में 30% लॉस, राइट। ITC में यहाँ पे भी है, देखो 5 क्वांटिटी ITC का 203 रुपया लिया था यहाँ पे, वो 211 रुपया में वहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे 203 रुपये में लिया था, इसका 1400 रुपये इन्वेस्ट था, अभी 400, मोर देन 43% कैपिटल में गेन। वहाँ पे ITC लिया था उसमें कितना 35 दिया था और यहाँ पे 43, क्योंकि वहाँ पे 211 रुपये था, यहाँ पे 203 रुपये में लिया था, वो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हर शेयर कब खरीदना है, कहाँ खरीदना है मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग को साइकोलॉजी के लिए इनमें आइडिया का शेयर लिया, ये एकदम बेकार है, बेकार, समझता, ये कोई काम का नहीं, फिर भी मैं लिया है, क्योंकि ये आप लोग को दिखा लिया, इसका फंडामेंटली एकदम बेकार है, सबको पता जाए, आप देखो जाके फंडामेंटली क्या है इसका, एकदम बेकार शेयर है जिसको बोलता, फिर भी मैंने इसको 10 रुपये करके यहाँ पे 5 शेयर लिया है, 10 रुपये था एवरेज प्राइस, अभी चल रहा है 8 रुपया, तो मेरा 2 रुपया का घटा है गया। इसका कितना शेयर लिया था, 42 रुपीज़ मेरा इन्वेस्टमेंट है, 50 रुपये लगा है इसमें, वो भी मेरा कितना लॉस चल रहा है, 9 रुपये लॉस चल रहा है, राइट। 18, अगर मैंने 50 रुपये का अंदर अगर देखेंगे तो 18% मेरा कैपिटल में लॉस है। इसका मतलब बेकार शेयर कभी नहीं उठाना, मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी उठा के दिखाया, 50 रुपये तो जाएगा लॉस, ये साइकोलॉजी के लिए आप दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। आप समझते हैं, आप लास्ट में वीडियो को दिखाएंगे आप लोग को एक चीज जो आप लोग को दिमाग थोड़ा घूम जाएगा, साइकोलॉजी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 18% कैपिटल में, मगर ये जो भी ये आइडिया का शेयर है ना, मुझे नहीं लगता जो ये 10 रुपये से कभी मुझे प्रॉफिट देगा, मैं इसको देख रेड कलर देखने के लिए मुझे अच्छा लगता, यहाँ पे रेड कलर देखना, इसीलिए मैं रखा है उसको। और एक है डाबोर, वहाँ पे भी डाबोर था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे कितना 555 में 540 चल रहा है अभी इसका प्राइस, 2000 इसका इन्वेस्टमेंट है, 700 इसका लॉस दे रहा है, 55 कैपिटल में 2%, कब आएगा रिकवर वो तो देखा जाएगा। उधर भी है, इधर भी है डाबोर, ठीक है, इसका 555 रुपये में खरीदा है, 543 चल रहा है अभी। ए की NIFT NIFTY 20 है, ये क्या है, ये शेयर जो है ये ऐसा नहीं, ये जो 176 आ रहा है, 171 528 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, 15 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, कैपिटल में 2% प्रॉफिट दे रहा है। ये जो है ना, ये शिफ्टिंग के लिए है, ये 171 500 हर महीने में ही है, ये कैपिटल में 500 रुपये ही ऐड, नहीं 1000 रुपये करेंगे अगले ऐड से, 1000 रुपये मंथली 1000 रुपये में डालेंगे, जैसे शिफ्ट होता है ना इसका, इस तरह से करेंगे। ये एक बैक टेस्ट चल रहा है ये बैंक निफ्टी 20 में, क्योंकि इस चल रहा है। और फिर BSE में 594 रुपीज़ में प्राइस, अभी 628, ठीक है, इसका चेंजिंग 2%, 1800 रुपये इन्वेस्ट है इसमें, 100 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, मोर देन कैपिटल में 5%, राइट। ये जितना शेयर देख रहा है ना,
एक भी इंट्राडे के लिए नहीं। यहाँ पे दो शेयर बेकार है, एक है आइडिया का, हाँ ये एकदम बेकार शेयर है, ठीक है। और MCX का थोड़ा सा काट के नीचे जाके दिखाएंगे, दो शेयर बेकार है नहीं यहाँ पे, आप लोग को दिखाएंगे अभी आएंगे। यहाँ पे आइडिया का चले गया, हम लोग BSE का भी चले गए, राइट। BSE में अभी 100 रुपीज प्रॉफिट दे रहा है। MCX में दो क्वांटिटी है, देखो इसका एवरेज प्राइस 133 चल रहा है अभी, इसमें 2600 और इसमें लॉस 200 रुपये लॉस दे रहा है अभी, इसमें 600 का लॉस है। मैं फिर ये क्वांटिटी है इसका ज़्यादा नहीं है, ये भी उसी का ही कारण है, ये शिफ्टिंग के लिए इसको शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंक जो है इसमें शिफ्ट नहीं करेंगे, बैंक 20 लेंगे और मॉन 100 लेंगे, ठीक है। मॉन 100 ये यहाँ पे मॉन 100 लेंगे, इसको एवरेजिंग करेंगे, खाली मॉन 100 को और बैंक 20 को एवरेजिंग करेंगे, मतलब ये शेयर खरीदते रहेंगे शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है। अभी इसको नहीं लेंगे, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको एक क्वान्टिटी भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा। तो ये 41 अभी इसमें 6% का कैपिटल प्रॉफिट दे रहा है, राइट। और ये जो ये और बेकार शेयर लिया मैं, इसको ये कौन सा शेयर है, ये मैं कोई एनालाइज नहीं किया, मतलब तुक्का लगाया, ठीक है, शेयर में ये आइडिया में और इसमें कोई मेरा एनालाइज नहीं है। ये क्या है, फ्रीडल बैंक, एकदम बेकार लगाया मैं, तुक्का बोलता है ना, उस तरह से लगाया जैसे आप लोग दिखता है अंदाज में लगाते हैं, मैं उसी तरह से लगाया। यहाँ पे कितना, एक ही क्वांटिटी है 97 रुपीज, ठीक है। इसका वो भी सलाह 0.52% प्रॉफिट दे रहा है। मैं ये जो भी है ना, इसको भी मैं रेड कलर देखना पसंद करूँगा, ये दोनों जगह मैं रेड कलर पसंद करता हूँ क्योंकि ये दोनों में मैं कोई एनालाइज नहीं किया, ठीक है, जिसमें दोनों में मेरे को रेड कलर दिखा सकता है, मैं ये दोनों में बिल्कुल एनालाइज नहीं किया। और दूसरा में जो है एनालाइज है, और जितना भी है सब में एनालाइज है, और कौन सा शेयर एवरेजिंग करना, कब करना, कौन सा लो प्राइस में खरीदना, बेचना कब है, सब कुछ अलग अलग सेटअप है, इसीलिए ये साइकोलॉजी के लिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ पे भी 2000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे देख 2000 प्रॉफिट, राइट। अभी इसका फंड चेक करेंगे, इसमें फंड है कि नहीं, इसका फिलहाल 8546 रुपीज में फंड है, ठीक है। ये फंड किस लिए, कब यूज करेंगे, वो शेयर को जो शेयर है एवरेजिंग करने के लिए, IUC का और शेयर इसमें ऐड करेंगे, अगर वो नीचे गिरता है तो यहाँ से ज़रूर शेयर एवरेजिंग करेंगे 68 को, फिर इसका डबल भी बना सकता है, किस तरह से एवरेजिंग करना मुझे पता है, और कौन सा शेयर मॉन 100 में चलेगा और बैंक 20 में और चलेगा, और आगे जाके और एक शेयर भी ऐड होने वाला है, वो सब शेयर कौन सा शेयर कब ऐड करना क्या करना, जैसे टाटा FMG सेक्टर का है, टाटा कॉम्बिनेशन जो सब ने यहाँ पे एनालाइज करके रखा है, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर PID कर देता यार, स्टॉक में जाएंगे, वॉल नहीं स्टॉक, टाटा नेट पहुँच लो जरा यार, कौन सा BSE नहीं है, NSE में नहीं यार, BSE में क्या था, कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड LTD, मतलब BSE में नहीं लेंगे, BSE रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका एवरेजिंग प्राइस कहाँ यार,
में खरीदना बेचना कुछ नहीं बताएंगे आप लोग को, कब खरीदना कब बेचना। ये जो ग्रीन कलर देख रहा है ये मेरा खरीदने का टाइम है, ये कब आएगा तभी खरीदेंगे, जब नहीं आएगा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अगर डे कैंडल में जाएंगे, आवाज नहीं यार, डे कैंडल में जाएंगे। देखो यहाँ से शेयर जब आएगा तब इस तरह से प्राइस बनाना चाहिए, तभी खरीदेंगे। जब ये गिर के नीचे से फिर रिवर्स करके इसका ऊपर आएगा तभी मैंने इसको खरीदेंगे शेयर, यहाँ पे 699 रुपीस में खरीदेंगे। अगर टेम्परेली स्टॉप लॉस में यहाँ पे लगाएंगे 549 में। ठीक है, अगर अगर मतलब लोअर लो बनाते आ जाएगा तो मैं शेयर को खरीदे लेंगे, अगर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाएगा तो आ जाएंगे, अगर यहाँ से रिवर्स करके कंटिन्यू इसमें टच कर लेगा तो भी नहीं खरीदेंगे, फिर अलग से एनालाइज करेंगे। समझ रहा है, जैसे इस तरह से आया यहाँ टच किया, फिर यहाँ आया टच किया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, इस तरह से फिर यहाँ से खरीदना है तो इस तरह से खरीदेंगे। अभी एक डब्ल्यू बटन बनाया जो यहाँ से आया फिर रिवर्स है, ये 800 तक जा सकता है शेयर। ठीक है, क्योंकि एक ग्रोथ है, अगर इसका ऑप्शन से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ रेट दिखाएगा। देखा 800 में देन लॉन्ग बिल्ड अप राइट, 4.57 लाख इसका लॉन्ग बिल्ड अप हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे 750 में यह शॉर्ट बिल्ड अप हो रहा है, एलटीपी चेंज हो रहा है, वाई बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो शॉर्टकट में यही बताना चाहता हूँ, ये तो किया तो ये टाटा कंज्यूमर ऐड करेंगे, और मैं यूएस मार्केट में है, इंडियन मार्केट में आप लोग को मैं नहीं दिखाएंगे, वो अलग वीडियो है। यूएस मार्केट में कौन सा स्टॉक है, कोको कोला है सपोज, ये अलग अलग सेक्टर है, पीओएसजी। ठीक है, यूएस का बात छोड़ो, अभी इंडिया का ही देखो आप लोग। ठीक है, फंडामेंटली कैसे देखा जाता है, तो ये हो गया एक साइकोलॉजी आपको प्रॉफिट लॉस। अब बोल सकते थे क्या यार छोटा कैपिटल है, हाँ यही है, बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दिखाने वाला से नहीं हूँ, मुझे पता है कि आप दिखा के कोई फायदा नहीं है। अगर ये बोलेगा क्या प्रॉफिट सर 3000 रुपये, ये 3000 नहीं है, अगर यहाँ कैपिटल कितना है वो ध्यान दो। ठीक है, कैपिटल में कितना गेन कर रहा है वो ध्यान दो आप, टोटल कैपिटल कितना 17000 है और इतना प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, और इधर इसके साथ आईओसी तो बोनस ही दे दिया आईओसी कैपिटल में बोनस भी दे दिया, देखो इसका शेयर प्राइस 37 हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं टेक्निकल रहना, रिलायंस वगैरह सब कुछ रहना, वो टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स भी मैंने 75 में ख़रीदा था, और ये पर रिलायंस 800 रुपये में फिर उसे क्या बोलता है, रिलायंस टाटा मोटर्स पीवीआर, उसको बाद इधर टाइटन का कितना था 600 ना कितना था वो ख़रीदा था मैंने, अभी 2000 चल रहा है, देखो 2000 कितना ना चल रहा है, तो वो सब ख़रीदा है। सब टेलीग्राम चैनल जाके पीछे आगे जाते रहे, एकदम ऊपर जाते रहे ना, देखना कब ख़रीदा था। ठीक है, 1-1 लाख का शेयर ख़रीदा था, तो जाके चेक करना टेलीग्राम में, ऊपर जाते रहना, एकदम दिखाई देगा कब कौन सा शेयर खरीदा था। ठीक है, हम रिकमेंड नहीं करेंगे किसी को कौन सा शेयर खरीदो, बस ये दिखाया क्योंकि ये ऑलरेडी लोअर प्राइस से खरीदा है, टॉप प्राइस में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल ना खरीदे, और कुछ ऑप्शन में जाके दूसरे को वीडियो दिखा के मैं आपको समझाता हूँ, उसको बाद आगे बढ़ता हूँ, 5 मिनट का वीडियो है, और इस तरह से आपको पसंद नहीं आएगा कैपिटल में ग्रो करने के लिए राइट। सपोज यही है, इसको ग्रो करने के लिए आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप चाहता यार बड़ा अमाउंट होना चाहिए। देखो ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड करने के लिए वो अलग स्ट्रक्चर है, ये है आपको लाइफ को बेटर बनाएगा। ठीक है,
और वो ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करो, आग भी जाएगा ठीक है, वो भी अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, मतलब वो हाई रिस्क प्रोडक्ट है, अब जितना कमाएगा उतना भी देना पड़ेगा ठीक है, आपको लॉस भी उतना सहना पड़ेगा, ये बिल्कुल आपको कैपिटल को ग्रो करेगा। आप एक बच्चा है जैसे माँ बच्चा को बड़ा बनाता है, सेम इसी तरह से ये भी आपको कैपिटल बड़ा होते जाएगा, ये ड्रॉडाउन नहीं हो सकता है ठीक है। इतना समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आप लोग को, नहीं आ रहा है क्या पता, ये कट देंगे, अभी एक वीडियो दिखाएंगे आप लोग के पास। कौन सा वीडियो किधर है भाई, चलो वीडियो देखो। हमारा एवरेज प्राइस है 224। देखो हम एक रिकमेंड करेंगे, ये यूट्यूबर का ही कोई वीडियो है चैनल का जो ट्रेडिंग क्लब है, मैं बिल्कुल इसका गलत नहीं बोलूँगा, मैं एक वीडियो देखेगा आप लोग को थोड़ा साइकोलॉजी सिखाना चाहता हूँ ठीक है। कई को मैं क्यों बोले थे वीडियो कॉपी किया ठीक है, अगर वीडियो कॉपी किया छोड़ी परमिशन नहीं लिया, मगर जो वीडियो है 1 लाख का कैपिटल में आपको 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन में, हाँ ऐसा होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, मगर क्या है ये अगर 41,000 का कैपिटल में 1 लाख में 41,000 कैपिटल बना रहे अब बिगिनर है तो ये वेरी डेंजर है ठीक है। अगर इसका रिवर्स जाएगा ना तो आपको पता चलेगा, चलो वीडियो देखो उसके बाद बताएंगे। हमने लाइव इसमें ट्रेड ले लिया है, आपको चार्ट पर दिखता रहेगा कि लगभग हमारे ट्रेड लेने के बाद से 2,000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। हम देखेंगे कि अभी भी हमारा इन्वेस्टमेंट 88,000 के अराउंड बचा हुआ है, हमने खाली 44,000 का इन्वेस्टमेंट यूज किया है, सिर्फ 220 ली है, चार्ट पर ही ली है, आप देख सकते हैं कि लगभग 3,000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। मेरा एम दोस्तों यही है कि आपको मैं बता सकूं कि इन चार्ट पर कैसे ट्रेड लिया जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर वॉच लिस्ट भी देख सकते हैं, तो हम ज्यादा इसको कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे क्योंकि वॉच लिस्ट को हम वहां पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको मैं हटा दूंगा। और यहाँ पर मैं टारगेट सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं टारगेट सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस सेट करना है तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस भी सेट कर सकता हूँ। तो फिलहाल 2,000 के अराउंड का प्रॉफिट दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रॉफिट 3,000 यहाँ भी दिख रहा है, और यही सेम पोजीशन में मैं जाके यहाँ देखूंगा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एवरेज प्राइस है 224, अभी 238 के अराउंड चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस लगभग 3,000 के अराउंड दिख रहा है। और अगर मुझे ये ट्रेड को एग्जिट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, इन डिटेल आप यहाँ पर भी आके देख सकते हैं और यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्रीफर करते हो और वहां पर भी आपको ट्रेड लेना है, वहां पर ही एग्जिट करना है, तो आपको यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पोजीशन मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है, जैसे कि हमने कहा था कि ये लेवल को ब्रेक करेगा और हमने एक मल्टीपल कंफर्मेशन ड्रॉ किया ये ट्रेंड लाइन के जरिए, तो अभी हो सकता है कि लगभग बैंक निफ्टी यहाँ पे 34,000 के लेवल आने वाले टाइम में टिका सकती है। हमने 2 बार कंफर्मेशन दिया ये ट्रेंड लाइन के जरिए, यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ये जोन के जरिए, और फिर हमने 44,000 का इन्वेस्टमेंट 45,000 के इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ उसको बहुत जरूर देखिएगा। मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको धन के बारे में बता सकूं कि धन में ये 4,000 के अराउंड का प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए मैं दोस्तों वीडियो को यहाँ से पॉज करता हूँ, आप बने रहिएगा। यहाँ से मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड करूंगा,
अभी टोटल क्वांटिटी हमारे पास आप देख सकते हैं कितनी हो गई है, और 500 क्वांटिटी है और लगभग 10,000 11,000 का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे अभी भी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं 500 क्वांटिटी, एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली है बैंक निफ्टी में। ये देखिए दोस्तों 43,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं लाइव आपके सामने यहाँ से चार्ट पर ही क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए ऑर्डर पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है, आपको यहाँ पर देखिए पूरी नोटिफिकेशन मिल गई और ये ऑर्डर क्लोज हो गया 342 के अराउंड, आपको यहाँ इन डिटेल आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं। का प्रॉफिट हमने बुक किया ऑलमोस्ट 43,000 का, ट्रेड लेते ही दोस्तों हमें लगभग 600 का प्रॉफिट दिखा था, क्योंकि हमने ट्रेड लेने के बाद हमारा ट्रेड माइनस में गया ही नहीं है लगभग, आप देख सकते हैं एवरेज प्राइस से। तो 41,900 का प्रॉफिट हमने बुक किया आपके सामने सिंपल तरीके से, आपको बता दूं कि ये हमारा एवरेज प्राइस था लगभग 258 के अराउंड। और कहूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ना देखो डियर माय फ्रेंड्स, अब लोग को वही साइकोलॉजी में देखा रहा हो, ठीक है, कभी भी किसी को पैसा देख के ठीक है ट्रेड ना लो, क्योंकि आप देखो वहाँ पे वो 1,00,000 कैपिटल देके उसमें कितना 41,000 बनाया, राइट, ये ऑप्शन में कोई पॉसिबल नहीं है बट, मगर अब जो बिगिनर है अगर उसी का उल्टा हो गया ना, आपको 41,000 कमाया उसका वापस जुट हो गया तो आपको क्या होगा आपको ही पता है, ठीक है, आप बिगिनर है प्लीज इस तरह से नहीं, वो कैपिटल में मनी मैनेजमेंट नहीं होता है, वो जैसे ट्रेड करा है एक्सपीरियंस ट्रेडर है इसीलिए करा है, उनके पास एक्स्ट्रा फंड है दूसरे अकाउंट में, वो उस फंड में ढला है, मनी मैनेजमेंट उनका पास है तो उसी के वजह से ट्रेड लिया, वो 1,00,000 अगर उसमें से 20% भी उसको चला जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट करके चलता है। अगर आप भी उसमें 1,00,000 का कैपिटल यूज कर रहा है तो आप गलत कर रहा है, 1,00,000 में कैपिटल में उसमें कितना क्वांटिटी उठा है, देखा हैवी क्वांटिटी बोलता है उसको, उस तरह से क्वांटिटी नहीं उठाना चाहिए। अगर आप में एक मोबाइल लेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 1,00,000 में आपको मोर देन 30% कैपिटल यूज करना उसमें, ठीक है, 30% मतलब 30,000 का 1,00,000 है ना, 30, 30, 60, 70, 80, 90, 100, तो 30,000 का 70,000 रुपये वहाँ पे पड़ा रहना चाहिए और 30,000 का कैपिटल आपको यूज करना चाहिए अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तो आप एक ही क्वांटिटी उठाना है उसमें, ठीक है, इसमें 30,000 आता, अगर बाय कर रहा है तो 30,000 कैपिटल, ठीक है, 30,000 में कैपिटल में आपको मिनिमम हर रोज समझ लेना 1,000 रुपये लॉस है, तो 30 दिन में 30,000 समझ लेना लॉस है, अगर 30 दिन में 30,000 लॉस होता है तो आपको कितना होता है, हर रोज 1,000 रुपये लॉस 30 दिन में 30,000 होगा, राइट, 30 दिन में 30,000, अगर 30,000 लॉस होता हर रोज 1,000 रुपये तभी आपका कैपिटल कितना 70,000 बचेगा, ठीक है, समझ रहे, आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तब भी आपको 70,000 रुपये बच, आप कैसे भी लेना 1,000 रुपये आपको कितना भी क्वांटिटी उठाओ याद रखना 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं देंगे, इसीलिए क्वांटिटी 1 से 2 नहीं उठाना, उससे ज़्यादा 1,000, 1,00,000 का कैपिटल में आप ऑप्शन बाइंग कर रहा है चाहे सेलिंग कर रहा है, ये 2 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं क्वांटिटी उठाना है। हाँ आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसे तो तब जाके आप 1,00,000 का 1,80,000-90,000 का शेयर खरीद सकते हैं, हैवी क्वांटिटी आपके पास लॉस हो जाएगा तो 20 से 25,000 हो जाएगा कैपिटल में, मोर देन 30% खत्म कैपिटल, ठीक है, लॉस हुआ तो याद रखना एक्सपीरियंस होना चाहिए तब उसको पता है ये ट्रेंड सही है यार हमें लगा सकता है, आप नहीं लगा सकते, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल मैं बोलूँगा आप इस तरह से किसी का 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000
पचास लाख 1 करोड़ 2 करोड़ इस तरह से प्रॉफिट ना देखें ट्रेड करें, ये एकदम बेकार है आप साइकोलॉजी। ठीक है, इस तरह से ट्रेड नहीं होता है। अब नको देखो किसी का ट्रेड, उसको माने मैंने से होना चाहिए आप लोग को पास। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और USD में इसका कुछ शिफ्ट डबल प्लस 2 3 4 चार चार्ट हो गया। और मल्टीपल चार्ट लगा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं, सेव करने रखना था एक बार। मैं जरूर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, कौन सा भी ट्रेड कर रहा है, अब जरूर ट्रेडिंग व्यू का मतलब आप चार्ट यूज करना है तो जरूर आकर अच्छा से ट्रेड करना चाहिए। आपको मल्टीपल स्किन होना चाहिए इंट्राडे के लिए। ठीक है, मल्टीपल तो आपको क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है तो आपको ट्रेड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम आपको वाली टाइम फ्रेम ले लेना। ओके, उसको बाद इसको क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस लाइक माइनस। ठीक है, इतना रखने देंगे। फिर इसको ये 1 आवर टाइम फ्रेम लिया, यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम में जाएंगे, या मोर देन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम जाएंगे। ओके, इस तरह से मल्टीपल ये चार्ट एक बार बना के सेव कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे इस तरह से आप ले लेना, आप कितना जूम कर सकता है इतना रख देना। और फिर यहाँ पे फिर आप यहाँ से मोर देन इसको 1 मिनट का चैट रखेंगे। ऑलमोस्ट 1 मिनट ही चैट है ये, 5 मिनट करेंगे तो 5 मिनट 1 मिनट चैट लगाएंगे, 1 मिनट हो गया। यहाँ पे मोर देन 5 मिनट का चैट लगाएंगे, 3 मिनट का चैट है, 5 मिनट हो गया। अभी इसको काट करेंगे, इसको माइनस दबा के थोड़ा जूम कर लेंगे दोस्तों, इस तरह से रखने लेंगे। 1 मिनट चार्ट थोड़ा देखेंगे इस तरह से, तो मोर देन गुड ट्रेड। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर लगा के अभी छकता है, ऐसा कुछ नहीं। एक बार आप सेट कर लिया तो इसको आप पूरा स्क्रीन में बड़ा लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको सेव करने के बाद एक बार सेव कर लेना मार्केट में जाके इधर सेव। ठीक है, यहाँ पे लेआउट ट्रेडिंग भी स्किप। ठीक है, सेव यहाँ पे वो फिर फोल्डर बनाना पड़ेगा। चलो सेव हो गया, तो इस तरह से सेव हो गया। अच्छा से मैं एडिट मतलब एक जगह नहीं किया, थोड़ा सा वो आगे पीछे करके एक बार और करना। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट का कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम, फिर देन 1 मिनट का टाइम फ्रेम। आपको ध्यान देना किस में 15 मिनट्स और 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, कौन सा कैंडल डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड है, देख लेना पहले एनालाइज करके, इसको थोड़ा सा बड़ा करके एनालाइज करना। ठीक है, जूम आउट करके फिर आपको टाइम फ्रेम में आके फिर क्या करना, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर लाग रहा है नहीं मार्केट यहाँ से डाउन आएगा तो आपको मल्टीपल, यहाँ 15 मिनट का ट्रेंड क्या है देखो, एक तरह से एक डाउन ट्रेंड है राइट, कभी ना कभी इसका लोअर लो एक मार्क कर लेना इस तरह से। फिर अगर आपको हाँ यहाँ पे सेलिंग करना है तो लोअर लो राइट,
तो इस प्राइस यहाँ चल रहा है, तो आपको सेल करना कहाँ से, यहाँ से सेल नहीं करना चाहिए। इस लोअर लो 1 मिनट का कैंडल जब भी ब्रेकआउट करेगा, आप प्राइस लगा के रखना, सेल कर देना इसके ऊपर, ठीक है, स्टॉप लॉस इसी का ऊपर बैठाना है, क्योंकि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख कर ट्रेड ले रहा है। 1 मिनट आपको देखने के लिए, बस खाली एंट्री लेने के लिए, एग्जीक्यूट करना है, तो स्टॉप लॉस 5 मिनट में, टेक प्रॉफिट भी 5 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट ट्रेंड क्या है, 1 आवर का ट्रेंड क्या है, उसके बाद ये क्या है, एंट्री लेने के लिए, और जब प्रॉफिट देगा तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर देना 5 मिनट के कैंडल में जहाँ आता, उसको क्या करना है, 1 मिनट में अगर आपको टारगेट का पास आ जाएगा, तो 1 मिनट अगर कैंडल इस तरह से रेड बना के फिर ग्रीन बनाया तो हाँ एग्जीक्यूट कर देना, इस तरह से ट्रेड करना। ये एकदम बराबर, मतलब IQ चार्ट है, एकदम परफेक्ट है, ट्रेडिंग व्यू से सबसे अच्छा चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप, बहुत सारे सेटअप है, इसको काट कर देंगे, ये बहुत सारे फ्यूचर है इसमें, ठीक है, अगर इसमें जाएंगे बहुत सारे फ्यूचर है इसमें, और तो 200 मूविंग एवरेज कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फ्यूचर है। अगर यहाँ पे मैं, इसमें फंड नहीं है क्योंकि इसमें ना हाई ब्रोकर ज़्यादा है, फंड है WDV प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं आप। अगर मार्केट में कोई है तो एक शेयर का नहीं है आप, मतलब अच्छा खासा रिसोर्सेस है। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, कुछ दिखाई देगा, देखो यहाँ पे अगर सपोज में टाइटन का देखेंगे क्या हाल चाल है। देखिए टाइटन में 8 तारीख में दिया है, मार्केट क्लोजिंग टाइम है 8 तारीख में यहाँ पे इसका LTP ओपन प्राइस में बाय करना बोला था, सो स्टॉक क्रिया के IDA क्या उसका मतलब, 2900 में इसका टारगेट बुक करना, ये रिकमेंडेड बाय, ठीक है। मोर द रिसोर्सेस क्या है वो भी आप, इस किसके लिए आप रिसोर्स में, अगर मोर दिस यहाँ पे किसके लिए टाइमिंग दे दिया है, यहाँ पे कौन सा ट्रेंड टाइटन का देखा है ना, डिस्क्लेमर क्या, यहाँ पे कब दिया, यहाँ पे 21 अगस्त डेट दिया, 9 जुलाई 2000, 8 जुलाई में दिया टाइटन का, राइट, ये वाला, हाँ 31 जुलाई इसका टारगेट 35% रखा गया है, इसका ये रिकॉर्ड प्राइस टारगेट डिफरेंस LTP स्टेटेड, ये लगातार, मगर ये शेर खान का रिसोर्स टीम है। अगर आप SBI का भी जाएगा, कैप सिक्योरिटी का, उसी का भी रिसोर्स टीम है, कॉल हर रोज आते रहता, ये 10-15 कॉल आते ही रहता है, मैं एक भी किसी को देखता नहीं, ना तो इसी का ना तो उसी का। ये देखो यहाँ पे टाटा पावर है, ये HDFC बैंक है, ये TCS का है, ठीक है, ये रिसोर्स में जाएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा रिसोर्स में, कब खरीदना है, कब बाय करना है, देखो यहाँ पे आ गया। तो अगर आप, मैं देखो खाली बैंक निफ्टी में पोजिशनल फेस में जाएंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का दे दिया 8 तारीख 14 17, मतलब मार्केट बंद होने का ये 12 13 14, 3 बजे का देखो पहले ही वहाँ पे क्या दिया, बंद होने का कुछ टाइम पहले ही क्या दिया, ऑप्शन बाय करने के लिए बोला 12 रुपया में, वो 36,000 का कॉल है, फिर इसमें कौन सा दिया 40 रुपीज़ का दिया है, 36,200, ये CRP दोनों साइड, इसका मतलब 37 40 37, इसका मतलब इसको दोनों साइड से ये हैजिंग कर दिया, तो यहाँ पे बाय करे तो 38,200, इसका पता नहीं क्या क्या मैक्स प्राइस जो है, मैक्सिमम प्राइस आपको, ठीक है, यहाँ पे टारगेट क्या दिया 0-0, मतलब जब तक 0 ना हो जाए तब तक इसको निकालना नहीं, ठीक है, और काफ़ी दूर का है, 36,700, 36,200, 33,800, 33,030, ठीक है। और ऐसा नहीं है शेयर दे दिया, ये रिसोर्सेस रहता ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस रहता है इसमें। अगर इक्विटी में रहेंगे तो वॉल सेक्टर में, टेक्निक फंडामेंटल में जाएंगे तो कौन सा शेयर आ रहा है,
फंडामेंटली में TCS टाइटन का ये सब फंडामेंटली है, क्योंकि कुछ दिन शॉर्ट टाइम के लिए है। देखो यहाँ पे बाय करना, ठीक है, 113 मार्केट ओपनिंग प्राइस में डिफरेंस उतना है। यह है LTP, ये बाई मतलब LTP, यहाँ क्या लिखा है ओपन प्राइस। अगर टाइटन का जाएंगे तो ये लिखा आ जाता। पता नहीं ये क्लिक नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर जाएंगे यह टारगेट, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं दिया है। अगर मैंने ना रिसर्च में जाएंगे इसमें ना ये स्टॉप लॉस में दे है, देखो पोजिशनल डेली न्यूट्रल फेस, यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस कैश में कौन सा में स्टॉप लॉस भी लगा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बैंक सी यह कौन सा दिया डेरिवेटिव्स जो है, यहाँ पे पेट्रोल पंप कौन सा है भरती बाय दिया 15 रुपया ओपन प्राइस में बाय करने के लिए भैया 15 रुपये में, और ओपन प्राइस में 270 ओपन प्राइस में बाय दिया 17,000 यहाँ पे 70 रुपये में, तो इसका स्टॉप लॉस 0 है। ओपन बाय ओपन बाय ओपन बाय ओपन बाय ओपन बाय नहीं इस तरह से ओपन बाय ये मतलब नहीं बिल्कुल बोलेंगे इस तरह से, ये ऐसा नहीं है, इसका अपना है और ये प्रॉफिट करता है 20 साल से मार्केट में है, ठीक है। इस तरह से रिसर्च में जाके किसी का शेयर खरीदना नहीं बेचना नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करेंगे, खुद का एनालाइज करेंगे। एकदम बिगिनर है तो आप यहाँ पे आके थोड़ा बहुत मतलब अब हर रोज़ इसको लिख के पेपर लिख के रखना क्या होता है नहीं होता, और मोर देन 70% करेक्ट होता है इसका ट्रेड, ठीक है। और मैंने बिल्कुल इसमें मुझे पता है कौन सा क्या है, क्योंकि मैं इतना सारे शेयर देख के ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, मैं 1 से 2 शेयर ही देख के ट्रेड करता हूँ, और इसका साथ मेरा साथ मैच करता नहीं, मैं इसका देखता नहीं, बस बात इतना ही है। ये तो हो गया, और इसका ऑप्शन सेन भी इस तरह से है, देखो यहाँ पे ऑप्शन सेन भी लाइव डाटा देता है, ऐसा कुछ नहीं। ये है इसका मेन टर्मिनल ऑप्शन सेन है, IB पुट कॉल, ठीक है। और यहाँ से आप खरीदना चाहते हैं तो बाय यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपको कंट्रोल प्लस ये दबाए तो आ जाएगा, यहाँ कंट्रोल प्लस F1 F2 ब्रैकेट ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अगर दबा के F1 दबाता है तो ये नॉर्मल ऑर्डर में आ जाता है, और 2 दबाए तो ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर में आता। अभी तो ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर तो दिया नहीं, बंद कर रहा है हर ब्रोकर में, तो नहीं आएगा, ठीक है। ये तो इसका टर्मिनल हो गया, और इसका रिसोर्सेस यहाँ पे रिसर्च में जाएंगे तो ये फंडामेंटली इसमें भी अगर देखेंगे कुछ जापानी यूरोपियन बाय करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है देखो बाय करने डॉलर में, तो जापान में तो अभी इसको गोली मार दिया उसका बॉस को पहला वाला प्रधानमंत्री को। यहाँ पे ऑप्शन चेन कौन सा भी करा, यहाँ पे देखो सेल कर दिया जापानी USD बाय करने बोल रहा है, जापान का सेल करने के लिए बोल रहा है, ठीक। क्यों सेल करने बोले, यहाँ पे ओपन प्राइस में सेल करने के लिए बोल रहा है, देखो बाय USD बाय कौन सा बोल रहा है फंडामेंटल USD बाय करने बोल रहा है, अगर मैंने ओपन प्राइस खोलते ही बाय करना बोल रहा है तो उस दिन ट्राई करना क्या होता नहीं होता। जापानी का USD दे रहा है भाई, जापान का नहीं दे रहा है, ये USD ये जापान। अगर मैं इसमें आएंगे क्लिक करेंगे USD जापान का बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं सब कैसे फंडा बन रहे। अगर मैंने ऑप्शन में ये जब लाइव मार्केट के यहाँ पे क्या करना,
ओपन प्राइस में देना, ओपन प्राइस में आना, ठीक है? तो जाके तो कुछ देख सकते हैं, रिसर्च में क्या है आखिरकार, आपको उसका मैच हो रहा है कि नहीं है, तो देख सकते हैं रिसर्च में, ठीक है? ओपन प्राइस में देखना कभी भी। हाँ यार, जो भी फंडामेंटली है ना इसमें जाके, वो उसका टाइगर का वो जो टर्मिनल है, विफ टर्मिनल में जाके आप रिसर्च में जाके देख सकते हैं। हर रोज शेयर कर, वो जब भी मतलब फंडामेंटली है वो दे देता आपको, देख सकता है। यहाँ पे जो टी सी एस है यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए, ये टाटा पावर का है, क्या दिया मैं एक बार देख के आता हूँ। टाटा पावर में क्या दिया, रिसर्च यहाँ पे टारगेट है 250, अपग्रेड डेट 13 जून 2022, यहाँ पे एल टी पी 22 रुपया, 220 रुपया बाई, ठीक है? मोर द रिसोर्सेस कौन सा, टाटा पावर का है, राइट? टाटा पावर इसका है, ये टाटा पावर कैपिटल बुल पावर, राइट? गुड्स, ये कैपिटल गुड्स पावर बाय यहाँ पे 220, और डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे उस ऊपर तो पता चलेगा क्या है, नहीं यहाँ पे देखिएगा ऐसा एलटीपी इतना है और डिफरेंस इतना है, इतना दूर का प्राइस है। जीटीडी ऑर्डर लगा सकता है, जिस तरह से ये बोला है, जीटीडी ऑर्डर लगा सकता है, मार्केट आफ्टर ऑर्डर, जीटीडी ऑर्डर, इसमें जो है जीटीडी, ये शेर खान में है, और जी टी क्या है उसमें है 141, टाटा पावर, उसके बाद 135, यहाँ पे रिकॉर्ड प्राइस, राइट? 135 कौन सा रिकॉर्ड प्राइस में, मुझे समझ में नहीं। टारगेट 13%, मेरे ख्याल से ये लॉस है शायद, स्टॉप लॉस है, रिकॉर्ड प्राइस होगा शायद। 13.60% कैपिटल में 6 अगस्त 2000, 13 जुलाई 2022, रिकॉर्ड डेट 6 अगस्त 2011, रिकॉर्ड डेट। ये देखो, एक चीज दिखा 135 में खरीदा है 240, ध्यान रखना कब का क्या है नहीं, इसीलिए अपग्रेड डेट रिकॉर्ड डेट ये ध्यान रखना। रिकमेंड नहीं करेंगे इस रिसर्च में, आप बाई सेल करो प्लीज, मैंने नहीं करेंगे, इसको क्लोज करेंगे इस तरह से, रिकमेंड नहीं करेंगे कौन सा बाई कर रहा है, कौन सा सेल कर रहा है। प्लीज़ आप थोड़ा देख सकते हैं ऑप्शन चेन का जो है, अगर आप ऑप्शन वीकली दे रहा है जो 13 रुपये 40 रुपये, वो आप थोड़ा चैनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका बियर वियर से आप 20 साल से मार्केट है, इसे नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और एनालाइज अच्छे से करता है, तभी तो जाके इतना सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। 20 साल में मार्केट है यहाँ पे, टर्मिनल बैंक निफ्टी सेंसेक्स, छोड़े निफ्टी सेंसेक्स यूएसडी पीसीएक्स, जो आपको देखना चाहिए, जो मार्केट है। कोई क्लिक नहीं, देखिए इसके टर्मिनल में क्या है, इसका पूरा रिकॉर्ड शो आता है, अगर आप बैंक निफ्टी चलाए इस तरह से क्लिक करें, अभी देखो ये डाबर में क्या चल रहा है पता नहीं, सिप्ला में इस तरह से क्लिक करके चैट ओपन हो जाएगा, इस तरह से वॉल्यूम वॉल्यूम प्लस भी कर सकता है, ठीक है? इस तरह से हर चीज़ इसमें पॉसिबल है, इधर का उधर उधर का इधर कर सकता है। ये जो एक लाइट भाल पर आया, देखो इसका इसका मतलब है वो हम लोग को क्या बोलेंगे, इसके बाद ये कि HDFC बैंक में आया था, क्या है ये देखो, इसका एक रेड कलर है, देखो अगर 5 मिनट का, अगर हमें 15 मिनट का जाएंगे तो एक
ये है PBS क्लोज ट्रैकिंग द एवरेज प्राइस। सबसे अच्छा टर्मिनल मुझे यही लगता है ऑल इंडिया का अंदर, एकदम मतलब मज़े ही अलग है यहाँ से। ठीक है, और इसको चार्ट में एनालाइज करेंगे, कल के लेआउट क्या चाल है मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का सीनेरियो क्या है उसको देख के आता हूँ। द मार्केट द ग्लोबल ओल्ड मार्केट वर्ल्ड मार्केट रेट नैसडेक अमेरिकन मार्केट रेट नैसडेक 100 USD इसका चेंजिंग टू 100 टाइमिंग दे दिया। ठीक है, नैसडेक 500 अमेरिकन डाउन जोन, अमेरिकन डाउन जोन 0.3%। माइनस हुआ तो ये माइनस दिखाएगा, ये पॉजिटिव में है राइट। अगर आप सॉरी इस तरह से जाएंगे, अगर वॉल लगाएंगे तो आप कलर में कन्वर्ट हो जाएगा MCX रिसर्च MCX, तो ये आप इस तरह से देख के निफ्टी बैंक निफ्टी और सिलेफेंस निफ्टी IT सेक्टर भी हमारा इंडिया का है। ठीक, वो जब मार्केट वन हो जाएगा तो उस तरह से दिखाई देगा। ग्लोबल इंडेक्स है ऑफ अमेरिकन इंडेक्स है, लोकल में जाएंगे बैंक निफ्टी के रखेंगे, और ये है ट्रेडिंग व्यू जाके देखना चाहिए आपको, जो बैंक निफ्टी निफ्टी जैसा SGX निफ्टी और USD और यहाँ पे क्रूड ऑयल और डाउन जोन और वगैरह वगैरह, वो मैं यहाँ से नहीं देखता हूँ उसको क्या करना, फिर आपको USD इनर क्या है उसको देखना चाहिए आपको, इस तरह से क्या हो रहा है राइट। USD इनर में बाई बोल रहा है, इसका मतलब हमारा अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा निफ्टी डाउन आएगा, समझ में आ रहा है। टेक्निकली एक दिक्कत का चीज़ है। और क्रूड ऑयल का क्या है, क्रूड ऑयल में अगर नीचे आए तो अच्छा है, मेरा निफ्टी ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो मेरा नेगेटिव सेक्टर है राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब USD इन आर क्रूड ऑयल, ठीक है, और अमेरिकन डाउन जोन और प्लस नैसडेक जो है अमेरिका का 100, ठीक है, और डाउन जोन, ये दोनों ध्यान देना, और इंडिया का SGX निफ्टी और प्लस बैंक ने USD इन आर क्रूड ऑयल, ये चार चीज में चार्ट में जरूर देखना चाहिए। तो उसको बाद आपको डिसीशन लेना है मंडे का मार्केट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बाय बाय, टेक केयर। हाय डियर माय फ्रेंड्स, इसमें USD अभी मंडे के लिए कैसे एनालाइज कर सकते हैं, डाउन जोन देंस राइट। अभी ये गैप अप खोला है, इसका मतलब ये डाउन जोन डाउन साइड है, ये गैप अप जरूर खोलेगा नीचे तरफ। ठीक है, अगर हमारा इंडियन निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, इंडियन बिक्स छोड़ो, इसका एक 16,217 रुपये राइट, 217 अभी ये 16,200 रुपया, मतलब नीचे डाउन खुलेगा सर, डाउन खुलेगा जो उसको बाद यहाँ पे USD डॉलर में क्या बोल रहा है, ये अपसाइड, मतलब वो शेर खान में क्या बोल रहा है, बाई ओपन होते ही बाई करो, इसका मतलब ये ऊपर खोलने वाला है ज़रूर, क्योंकि ये गैप अप खुलेगा यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो टारगेट भी वहाँ पे दे चुका होगा शायद, कितना ध्यान नहीं दिया, ये ऊपर खुलेगा, और क्रूड ऑयल में अगर डाउन साइड आया तो ठीक है, और क्या होता है नहीं होता, तो इसको मल्टीपल चार्ट से हम लोग देखेंगे। SGX निफ्टी है तो हम मल्टीपल चार्ट में जाएंगे, चार्ट चार्ट बनाना पड़ेगा इसमें, रूम्स 4 डिस्कवर वर्सेल फिक्स कस्टम रूम 4
4। अबे कितना बन गया रे भाई। अरे भाई यार बहुत ज्यादा बना दिया यार। सी 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 कितना होगा, 1 2 3 4 यार, इतना स्किन आ गया। अब तो इसको खर्च करते मेरा टाइम चला जाएगा। अरे यार चार बनाने जाए, हमने कितना कस्टम 40 40 लगा दिया वहां पे। सी 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 चलो डे में फ्रेंड्स को एक ही स्किन में ट्रेडिंग व्यू का फ्री जो है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास प्रीमियम है, मगर ये 1 रुपये में प्रीमियम हो जाएगा मेरे, 1 रुपये में खटता खदा चाहिए, ज़्यादा नहीं कर सकते। ये देखो नहीं आएगा राइट। अगर हाँ हम अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको अगर प्राइस में खरीदे जाएंगे, देखो अपग्रेड तो 1 रुपया, 1 रुपये में, $1 में मैं खरीद सकता है। $1 मीन्स 70, अभी चल रहा है कितना है 79 ना, इतना में $1 में हम खरीद सकते हैं। तो हम मल्टीपल को कैसा हमें खरीदेंगे, देखो मैं दिमाग लगाएंगे ठीक है। खरीद लिया, खरीदना हो गया मेरा 4 स्किन। अरे ये SGX निफ्टी है, अभी SGX निफ्टी हो गया, अभी हम कौन सा देंगे ठीक है। हमने गलत काम किया है राइट, इसको काट करेंगे यहाँ पे काट करेंगे यार। चलो ये रहने दो, दिमाग ना करके कोई साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं लगाएंगे। ये कौन सा इंडिकेटर है भाई, इसको काय को आ रहा है। देखिए ये SGX निफ्टी है, इसमें जाना, SGX निफ्टी के बाद हमको कौन सा लेना है, क्रूड ऑयल लेंगे। ज़्यादा स्किन नहीं तो सही होता है। और डियर माय फ्रेंड्स, इस तरह से US डॉलर, SGX निफ्टी वगैरह सब देख के फिर आप एनालाइज कर सकते हैं एक जगह पे, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, फ्री में ठीक है। और ये ब्रोकर में आ जाता है, मगर SGX निफ्टी अलग नहीं आता ना उसमें। तो SGX निफ्टी USD डॉलर और प्लस आप कौन सा देखना है बता रहा हूँ आपको। USD फर्स्ट ऑफ ऑल जो SGX निफ्टी है उसको ये सेंसेक्स नहीं, SGX निफ्टी देखना है, ये डाउन जोन देखना है US का, और प्लस NASDAQ 100 देखना है, उसके बाद SGX निफ्टी, उसके बाद USD इनर क्रूड ऑयल, बस इंडियन बिग्स देख लो क्या है, उसके बाद बस आ जाओ। तो थैंक यू टू माय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर।